उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सरानिया गांव के निवासी वारिसी को अब बार बार बिजली जाने से परेशानी नहीं होती। उन्होंने सोलर पैनल का सहारा लिया जिससे उनके घर में अब पंखा, कूलर, मोबाइल चार्जर सब आसानी से चलते हैं। वारिसी की तरह कई लोग सोलर पैनल का उपयोग करने लगे हैं, लेकिन जब ये खराब हो जाएंगे तो इनका क्या होगा? फायदे सर, मतलब बैटरी से चार्ज करते हैं, बैटरी भी इससे चार्ज हो जाती है, रात में लाइट जलाते हैं और जब पंखा रात में चलता है या दिन में चला लेते हैं डायरेक्ट। जब ये खराब हो जाएगा सर तो कबाड़ में बेच देंगे, दूसरा लेंगे नया। लखनऊ के नाका बाजार में प्रवेश करते ही सस्ते और कम गुणवत्ता वाले सोलर उत्पादों से भरी दुकानें दिखाई देती हैं। छोटे सोलर पैनलों से बने घरेलू उत्पादों की कीमतें कम होती हैं और इसी वजह से इनकी गुणवत्ता और जीवन काल भी कम होता है। ऐसे में इनकी वजह से होने वाले कचरे की मात्रा कुछ वर्षों में बढ़ने की आशंका है। देखिए, जहाँ तक कचरा जो सोलर पैनल से निकलता है एट द एंड ऑफ लाइफ और ड्यूरिंग द असेंबली या फेल्ड पैनल से जो जनरेट होता है, जो कचरा, जो वेस्ट जनरेट होता है, उसके लिए पुनर्चक्रण तंत्र दैट इज रिसाइकलिंग मैकेनिज्म्स को स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सोलर पैनल कचरे को, सोलर पैनल वेस्ट को हैंडल करने के लिए इफेक्टिवली उनमें से कुछ एक हैवी मेटल्स भी होते हैं जैसे लेड, कैडमियम, और ये जब आसपास का पर्यावरण के कॉन्टैक्ट में, संपर्क में आते हैं तो उससे जो आसपास का जो पर्यावरण है वो भी दूषित हो सकता है बिकॉज दे आर हैवी मेटल्स और उनमें से टॉक्सिक गैसेस निकल सकती हैं बिकॉज ऑफ लीचिंग। तो उससे जो आसपास का पर्यावरण तो दूषित हो ही सकता है, लेकिन सॉइल और पानी वो भी कंटेमिनेट, वो भी दूषित हो सकता है, साथ में हेल्थ इंपैक्ट्स, एडवर्स हेल्थ इंपैक्ट्स हो सकते हैं। भारत ने साल 2050 के अपने नेट जीरो के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पिछले कुछ सालों में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया है। इसके चलते देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेज प्रगति के साथ साल 2023 में भारत सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा पैदा करने वाले देशों में तीसरे स्थान पर आ गया। थिंक टैंक काउंसिल फॉर एनवायरनमेंट, एनर्जी एंड वाटर के एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2023 तक भारत में सौर ऊर्जा के चलते 100 किलो टन सोलर पैनल का कचरा पैदा हुआ है। इस कचरे के परिवहन के लिए लगभग 10,000 ट्रकों की आवश्यकता होगी। साल 2030 तक यह कचरा 3 गुना से अधिक बढ़कर 334 किलो टन होने का अनुमान है। इसमें से 10 किलो टन कचरा अकेले उत्तर प्रदेश के बड़े सौर बिजली संयंत्रों से उत्पन्न होगा।